पांच सेक्टर आईपीपीस गैस कंपनियां पीएसओ के उधार पर चलने लगी। उधार बर वक्त वापस ना करने से पीएसओ माली बहरान का शिकार हो गया। पीएसओ का गर्दशी कर्ज 615 अरब रुपए से भी बढ़ गया है। बोल न्यूज ने पीएसओ की वाजिबात की तफसीलात हासिल कर ली है। मलिक सईद अवान से मजीद तफसीलात जानेंगे, बताएगा मलिक सईद अवान। बिल्कुल, पावर सेक्टर आईपीपीस और गैस कंपनियां सब जो है वो पीएसओ के उधार चल रही है। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक पीएसओ का गर्दशी कर्ज 615 अरब से बढ़ चुका है। बिजली की और गैस के पावर सेक्टर भी जो है वो पावर प्लांट के उधार सेम पर ले रहे हैं। इसी तरह गैस कंपनियों के जिम्मे भी पीएसओ को 394 अरब रुपए जो है वाजिब लगा है। पावर सेक्टर के जिम्मे बाद में 170 अरब रुपए वाजिब लगा है। पी आई ए के जहाज भी जो है वो उधार तेल पर चल रहे हैं। पी आई ए ने पी एस ओ को 43 करोड़ रुपए का उधार ले रखा है। इसी तरह पी एस ओ का विदेशी कर्ज जो है वो खत्म करने के लिए हुकूमत ने एक फार्मूला तय किया, जिसके तहत कई कंपनियों के शेयर जो है वो पी एस ओ को देने की तजवीज है। इसी तरह पावर सेक्टर की कंपनियों के भी शेयर जो है वो पी एस ओ को देने की तजवीज मेरे गौर है जी। अच्छा मलिक सईद अवान, ये भी बताएगा पीएसओ तो खुद गर्दिशी कर्जों के जकड़ में है, तो पीएसओ की जानिब से इन तमाम कंपनियों से मुतालबा नहीं किया गया कि वो जल्द अज जल्द कर्ज को उतारे? बिल्कुल, पीएसओ के जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना है। एलसी खोलने के लिए भी जो है वो सूखी गारंटी उनको दरकार होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो पीएसओ को फेस करना पड़ रहा है। पीएसओ के जाने से मुताबिक जो है गर्दिशी कर्ज की वापसी के लिए जो है खत लिखे गए, लेकिन कंपनी की जानब से जो है वो अदायगी नहीं की गई, क्योंकि ये एक पूरा सर्कल है जो कि हुकूमत की जो हिम्मत वो ठीक ना होने की वजह से जो है वो बना है। ठीक है, पीएसओ खुद गर्दिशी कर्ज की जकड़ में है, 615 अरब रुपए से भी गर्दिशी कर्जा तजावुज कर गया है। मलिक सईद अवान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतजार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आजादी मार्च आज रवान के मुताबिक, अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। ओ यहाँ पे कोई 2 नंबर नहीं चलेगी। ओ हम कोई गुलाम हैं जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।